बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा फ़र्ज़ होने के शराइत सात हैं और ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। नंबर एक, मुसलमान होना। अगर मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, काफिर है या कोई और ईसाई है, मुर्तद है, तो उसके लिए रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। रोज़ा सही होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, उसके बग़ैर आपका रोज़ा नहीं होगा। नंबर दो, बालिग हो। अगर बालिग नहीं है, आप नाबालिग हैं, तो आपके लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है। लिहाजा अगर आप बालिग हो जाते हैं, मर्द हो या औरत, तो उसके लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। अगर रोज़ा छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा। उसमें और तफसीलात हैं। इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि कैसे मालूम होगा कि हम बालिग हुए हैं या नहीं। उसके लिए जवाब यह है कि जब 15 साल आपको कंप्लीट हो जाए, तो आप हर हाल में बालिग या बालिगा शुमार होने लगेंगे, चाहे इहतलाम हुआ हो न हुआ हो, सब अलग है। जब 15 साल से पहले पहले औरत अगर है, उसको माहवारी आ गई, तो समझा जाएगा अब वो बालिगा हो गई। इसी तरह अगर औरत है, हमल ठहर गया, तो समझा जाएगा कि बालिगा हो गई। इसी तरह अगर वो मर्द है, तो इहतलाम हो गया, तो समझा जाएगा कि वो अब बालिग हो गया। एहतलाम नहीं हुआ, लेकिन अगर बीवी है उसकी, तो उससे मुजामियत की वजह से, सोहबत की वजह से बीवी का हमल ठहर गया, तो अब समझा जाएगा कि ये मर्द अब ये बालिग हो गया। तो ये जो अलामतें हैं, अगर पाई जाएं, तो 15 साल से पहले भी आप बालिग बालिगा हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सब अलामतें न पाई जाएँ, न एहतलाम, न कुछ कुछ नहीं, लेकिन अगर ये अलामतें न पाई जाएं और आपकी उम्र 15 साल कंप्लीट हो जाए, तो ऐसी सूरत में हर हाल में आप बालिग बालिगा हो गए, चाहे ये अलामत जाहिर न हो। इसीलिए रोज़ा फ़र्ज होने के लिए बालिग या बालिगा का होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है, तो आपके लिए रोज़ा फ़र्ज नहीं है। हाँ, अगर आप बग़ैर बालिग हुए, नाबालिगी की हालत में रोज़ा रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, आपका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन पहला मसला जो था, मुसलमान होना, उसके लिए अगर गैर मुस्लिम है तो रोज़ा रखेंगे, रोज़ा ही नहीं होगा। ये दूसरे में ज़रा फ़र्क है। नंबर तीन, आकिल होना। अगर आकिल, अकलमंद, अकलमंद का ये मतलब नहीं कि दिमाग उसका बहुत तेज़ हो, ऐसा नहीं है। अकलमंद का मतलब ये है कि वो होश में हो, समझता हो कि ये सही है, ये गलत है, ये पाक है, ये नापाक है। ये जैसे मिसाल के तौर पे पैसा रख दिया जाए, समझेगा कहाँ ये पैसा है। अगर उसके सामने सोना रख दिया जाए, तो समझेगा कि सोना है। उसकी जो अकल है वो काम कर रही हो, इसका यही मतलब है अकलमंद होना। लिहाजा अगर आकिल है, यानी अकलमंद आदमी है, आकिल है, तो उसके लिए रोज़ा फ़र्ज है। अगर आकिल नहीं है, जैसे पागल आदमी है, मजनू है, तो ऐसी सूरत में रोज़ा फ़र्ज नहीं है। इसमें ज़रा और तफसीलात हैं, सब छोड़ रहा हूँ। इसी तरह इसमें एक मसला और समझ लीजिए, बेहोश होना। अगर आदमी होश में नहीं है, वो इस आकिल और इसमें दाखिल नहीं होगा। अगर आदमी बेहोश है, तब भी उसके लिए रोज़ा फ़र्ज होगा। हाँ, अभी बेहोश है, रोज़ा नहीं रख पाया है, बाद में कज़ा रोज़ा रखेगा, ठीक है। बेहोशी का मसला ज़रा टेढ़ा है, इसलिए इतनी बातें समझ लेना भी बहुत है आपके लिए। नंबर चार, रोज़े का इल्म हो। यानी आप ऐसे इलाके में रहते हो कि जिनसे आपको मालूम हो कि रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अगर आपको इसका इल्म ही नहीं था कि रोज़ा फ़र्ज़ है, लिहाजा आपके लिए रोज़ा फ़र्ज़ नहीं हुआ। अगर आपको रोज़े के फ़र्जियत का इल्म है, तो आपके लिए रोज़ा रखना फ़र्ज हो जाएगा। नंबर पाँच, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त आदमी हो। अगर बीमार आदमी है, और बीमारी भी ऐसी हो कि जिससे रोज़ा रखने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और जान जाने का भी ख़तरा हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो, नुकसान बहुत ज़्यादा होने लगे, तब जाके उस बीमारी का एतबार होगा। वरना सर में ज़रा से दर्द है, पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, पैर में दर्द है, या कहीं और ज़रा से ज़ख्म है,
इस वजह से रोज़ा जो है आप कहेंगे मैं बीमार हो गया, रोज़ा मेरे लिए अब जो है छूट है, मैं नहीं रखूँगा, ऐसी बात नहीं है। बीमारी भी बीमारी की तरह होनी चाहिए। लिहाजा रोज़े के फ़र्ज़ होने के लिए ज़रूरी है कि आप सेहतमंद हों। अगर आप तंदुरुस्त और सेहतमंद नहीं हैं, मरीज़ हैं, बीमार हैं, तो आपके लिए रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप सही हो जाएंगे आपके लिए कज़ा करना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए रोज़ा माफ़ हो गया, इसको भी समझना था। और नंबर 6, मुकीम होना। मुकीम कहते हैं कि जहाँ रहता है वहीं रह रहा हो। अगर वो आदमी मुकीम नहीं है, आप कहेंगे मुकीम किसे कहते हैं, मुकीम की बड़ी तफसील है तो समझाना पड़ेगा आपको, फिर बहुत अलग से वीडियो बन सकती है इसके ऊपर। इसीलिए इतना समझिए कि अगर आप मुसाफिर नहीं बने हैं, मुसाफिर यानी आप इतना लंबा सफ़र नहीं किए हैं कि जिससे आप मुसाफिर बन जाएं, यानी आप मिसाल के तौर पे इतना लंबा 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, उसमें तफसील है कि कितनी किलोमीटर आप सफ़र करेंगे तो आप मुसाफिर बनेंगे, वो एक अलग मौजू है, अलग मसला है, उसको छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। इतना समझिए कि अगर आप मुसाफिर नहीं हैं तो फिर क्या है, मुकीम है। लिहाजा जब मुकीम है तो आपके लिए रोज़ा फ़र्ज़ हो गया। और अगर आप मुकीम नहीं हैं, मुसाफिर हैं, तो आपके लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है। अलबत्ता बाद में उस रोज़े की कज़ा करना ज़रूरी होगा। एक मसला यहीं पर आपको बता दूं, मुसाफिर के लिए रमज़ान के रोज़े न रखने की छूट है। किसके लिए, मुसाफिर। समझिए कि आप सफ़र में जाने वाले हैं दिन के 10 बजे। अब आप सोचते हैं कि चलो 10 बजे तो मुझे जाना है, अब मैं रोज़ा नहीं रखूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अभी तो आप मुसाफिर नहीं हैं, अभी तो आप मुकीम हैं। सफ़र आपका शुरू कहाँ हुआ, आप मुसाफिर कहाँ हुए। इसीलिए अब अगर आप रोज़े का इरादा नहीं करते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, तो गुनाह मिलेगा आपको, क्योंकि आपने रोज़े को छोड़ दिया है। इसीलिए रोज़ा रख लीजिए, जब आप मुसाफिर बन जाएं, आप जब सफ़र में निकल जाएं, तो रोज़ा तोड़ दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह इसमें तोड़ने में भी बड़ी तफसील है, लेकिन तोड़ना जायज़ है, इतना समझ लीजिए। इसी तरह अगर आप जो है सुबह सादिक से पहले पहले, सहरी के वक्त से पहले पहले सफ़र पर निकल जाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप मुसाफिर हैं, रोज़ा छोड़ दीजिए, रोज़ा मत रखिए। हाँ, बाद में कज़ा करना ज़रूरी होगा। नंबर 7, हैज़ या निफास से औरत का पाक होना। अगर औरत हालत हैज़ में या निफास में है तो रोज़ा उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, बाद में जो रोज़ा छूट गया है इस नापाकी की वजह से, उसके लिए बाद में कज़ा करना ज़रूरी होगा। हैज़ यानी हैज़ का मतलब है कि माहवारी, जो औरत हर महीने नापाक होती है। इसी तरह बच्चा पैदा होने के बाद औरत जितने दिन नापाक रहती है उसको निफास कहते हैं। तो इसमें जो है रोज़ा रखना हराम। रोज़ा रखेगी तो गुनाह मिलेगा, सवाब की बात तो दूर है, गुनाह मिलेगा। इसीलिए रोज़ा रखना इस हालत में हराम है। हाँ, रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है, बाद में कज़ा करना होगा। तो ये 7 शराइत हैं रोज़े के फ़र्ज़ होने के लिए। बहरहाल ये चंद बातें बहुत ज़रूरी हैं, अल्लाह ताला हमें समझने की